हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, प्रणाम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड छोटों को ढेर सारा प्यार के साथ स्वागत करती हूँ मैं अपने नए ब्लॉग में। तो यहाँ पे ना सारे कुछ की ढकिया कुनिया को सजाने की तैयारी चल रही है, सारे कुछ को धो के रखा गया है और यहाँ पे मेरी भाभी बना रही है ठेकुआ चढ़ाने के लिए। इससे पहले बन चुका है ठेकुआ और ये है अभी फ़िलहाल जो कुनिया ढकिया में दिया जाएगा उसके लिए ठेकुआ बन रहा है। तो उसे उसी दिन बनाया जाता है जो हम लोगों को कुनिया और ढकिया में चढ़ाया जाता है, तो उसी मतलब 1 घंटा 2 घंटा पहले ही बनाया जाता है, उससे 1 दिन पहले नहीं बनाया जाता है। तो उसी की तैयारी चल रही है, यहाँ पे बना जा रहा है ठेकुआ। तो इससे पहले भी और ठेकुआ बन चुका है जो कि प्रसाद के रूप में सबको दिया जाता है और दोनों मिक्स करके दिया जाता है। तो वो ठेकुआ इससे पहले ही 1 दिन पहले ही बना के रखा गया है, ठेकुआ और पिरुकिया। आप लोग शायद पिरुकिया को गुजिया बोलते होंगे और हम लोग के साइड ना पिरुकिया ही बोला जाता है, तो आप लोग समझ जाइएगा। यहाँ पे कोनिया और ढकिया का सिंगार हो चुका है और सारा कुछ इसमें डल भी गया है, बस इसमें अब कपड़ा बंधाएगा और छठ घाट पे जाने के लिए रेडी हो जाएगा। बम कितने रुपए का है? और यहाँ मेरा गुल्ला बेच रहा है पटाखा फ्री में, बट फिर भी कोई कस्टमर नहीं आ रहा है। अगर आप लोग को लेना हो तो आके ले सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है यहाँ का पटाखा। तो मम्मी और भैया निकल गए हैं, भैया ढकिया लेके अभी जाएंगे गोसाई घर में रखने के लिए। गोसाई घर में रखेंगे, वहाँ पे दिया जलाएगी मम्मी और प्रणाम करेगी, तो वहाँ से निकलेगा, फिर सिटी रिक्शा पे जाएगा ढकिया। और मम्मी भैया पहले निकलेंगे और हम लोग बाद में निकलेंगे क्योंकि अभी तक हम लोग तैयार भी नहीं हुए हैं। तो फिर हम लोग जाएंगे बाद में और मम्मी पहले ही चली जाती है और आंटी लोग भी पहले ही जाती है। तो मैं तैयार हो गई हूँ छठ पे जाने के लिए और हमारा दुपट्टा लेना बाकी है, तो दुपट्टा लेंगे और हम रेडी हैं जाने के लिए। मुझे ना उतना ज़्यादा मेकअप पसंद नहीं है तो मैं सिंपल सी तैयार हुई थी। तो भाभी लोग चली गई थी कार से और मैं बची थी, तो मैं बाइक से गई, मुझे बाइक पे ही अच्छा लगता है जाना। तो यहाँ पे हम लोग घाट पे पहुँच गए हैं, ऑलमोस्ट पहुँचने ही वाले हैं क्योंकि हम लोग पहले ही रोड पे ही उतार दिया जाता है क्योंकि इधर का रास्ता बहुत ख़राब है तो बहुत कम ही गाड़ी आती है। तो वहाँ से आते हैं हम लोग पैदल क्योंकि पैदल जाने में ना और ही मज़ा आता है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं सारे लोग पैदल। यहाँ मम्मी को लगा रही है आंटी सिंदूर और उसके बाद मम्मी घुसेगी पानी में, फिर उसके बाद सारे छठ का सारा कुछ स्टार्ट होगा। आप लोगों मैं हर एक चीज़ एक एक चीज़ दिखाऊंगी, आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा और आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं छठ की। आप लोग भी मन्नत मांग लीजिए ऑनलाइन भगवान से, जिस किसी को भी छठ नहीं होता है वो ऑनलाइन भगवान से विश कर लीजिए और अर्घ भी दे दीजिए। और आप लोग को ढेर ढेर सारी शुभकामनाएं हैं छठ पूजा की। और बिहार का छठ कैसे मनाया जाता है मैं एक एक चीज़ दिखाऊंगी आप लोगों को, आप लोग प्लीज़ ब्लॉग में बने रहिएगा। तो यहाँ मम्मी, मौसी और आंटी तीनों पानी में घुस गई है और नहा रही है। तो यहाँ पे मम्मी और सॉरी आंटी और मौसी पानी में डुबकी मार ले रही है और मेरी मम्मी ऊपर ऊपर ही निकल जा रही है बिना डुबकी मारे। तो यहाँ हम लोग ना बहुत हंस रहे थे, मम्मी को डर लग रहा था पानी में डुबकी नहीं मार रही थी। तो सब नहा ली है और आज सूर्य भगवान देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। तो यहाँ पे उसके बाद मम्मी कलश जल भरेगी और नीचे से मिट्टी उठाई है क्योंकि भगवान जी को स्थापित करेंगी वहाँ पे और उनका पहले पूजा पाठ करेंगी, उसके बाद फिर सूर्य भगवान की आराधना करेंगी और उसके बाद सारा कुछ होगा। यहाँ मम्मी बांध रही है कलश में रोली और सारे लोग बांध रहे हैं, देखिए आप लोग। और यहाँ पे सारे पापा की परियां खिंचवा रहे थे सेल्फी। बोलो,
हैप्पी छठ पूजा ऑल ऑफ यू गाइस वेलकम टू माय यहाँ पे भाभी के घर दे रहे थे थोड़े से हेल्प और कुनिया सूर्यदेव भगवान को चढ़ाने की बारी आ गई है तो यहाँ पे मम्मी कुनिया सब लोग भगवान जी को चढ़ा रहे थे तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी हेल्प कर दे रही थी। यहाँ पे मैंने आप सब लोग के लिए मेरे YouTube फैमिली के लिए भगवान जी से विश कर लिए हैं कि सब लोग खुश रहे स्वस्थ रहे और मस्त रहे। बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है यहाँ पे और यहाँ का देखिए कितना मस्त नज़ारा है। यहाँ मेरी मम्मी मौसी और आंटी तीनों हैं। अब सारा कुछ हो गया, अब बारी है जाने की और ढकिया भी बंधा गया है घर जाने को और भैया ढकिया लेके चले भी गए हैं रिक्शा में डालने के लिए और यहाँ पे चाचा भी उठा लिए हैं और सब लोग बोल रहे हैं चलो घर चलो। तो अभी हम लोग घर जा रहे हैं। तो हम लोग अभी चल रहे हैं पैदल सड़क तक। वैसे हम लोग का मन तो पैदल जाने का ही रहता है बट पैदल जाने नहीं दिया जाता है तो सड़क तक हम लोग बहुत मस्ती करते हुए जाते हैं पैदल। उसके बाद गाड़ी पे जाना पड़ता है मजबूरी। तो यहाँ पे पापा की बढ़िया आप लोगों से कुछ बोल रही है। यहाँ पे आंटी है, आंटी क्लस लेके जा रही है तो आंटी भी मेरे साथ पैदल ही चल रही थी। हम लोगों के घाट पे ना काफ़ी ज़्यादा भीड़ होता है और इतना भीड़ दूसरे घाट पे नहीं होता क्योंकि यहाँ पे नदी है इसलिए ज़्यादा भीड़ होता है और सो जगह पोखर पे मनाया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग गाड़ी में आ गए थे सड़क पे और 6 सीट ही था गाड़ी में। बस हम लोग बैठे हुए थे 15 जन 15 नहीं थे हम लोग आगे 3 थे, कुक्कू हम और विवेक, पीछे 7 थी जो कि लोग को बहुत दिक्कत हो रहा था और काफ़ी ज़्यादा हंस रही थी इसी वजह से ये लोग और ऊपर से मैं उस लोगों का वीडियो बना रही थी इसलिए कुछ ज़्यादा ये लोग हंस रही थी। तो यहाँ पे ट्रैफिक भी था आगे तो सो विवेक रुका हुआ था जाने के लिए। तो यहाँ पे मेरे पास क्लस भी था तो मम्मी जाने टाइम में मुझे ही क्लस दे दी थी क्योंकि मम्मी लोग भींगी हुई रहती है तो मम्मी लोग तुरंत चले जाती है घर तो इसकी वजह से मुझे दे दी थी क्लस। विवेक ना बहुत स्पीड में गाड़ी चलाए जा रहा था तो हम लोग सब लोग उसे बोल रहे थे कि स्लो चलाओ, सब लोग को देखते हुए जाएंगे कौन फ्रेंड लोग मिलती है कि नहीं रास्ते में। तो यहाँ पे वही सब बात करते हुए हम लोग जा रहे थे तो मैं वीडियो इसलिए भी डाल रही हूँ ना कि देखिए हम लोग का घर मतलब कितने डिस्टेंस में है, बहुत कम ही डिस्टेंस में है, बस 5 मिनट लगता है जाने में। तो आप लोग देखिए फाइनली हम लोग घर वाली गली में पहुंच गए हैं और यहाँ से मेरा घर भी दिख रहा है। अभी हमारे मोहल्ले के लोग सब आए भी नहीं है, फर्स्ट बार में हम ही लोग आए हैं। घर पहुंच गए गाइस हम लोग। आप लोग हमारे वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।